आयुष अर्चरे, इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एरे. क्या होता है ये एरे? सो वी नीड एरे टू ऑर्गेनाइज ऑल द डेटा आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. मीन्स वॉट? मैंने अगर एक एरे क्रिएट किया तो मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ डील कर सकूं. ठीक, अच्छे से समझते हैं क्या होता है ये. बेसिकली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ये आपके एलिमेंट्स है जिसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप सेम होगा. मतलब यहाँ पर आप जो 10 देख रहे हैं, इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. इसका भी इंटीजर है, इसका भी इंटीजर है. इसमें कभी भी एरे जो बनेगी वो उस तरह से नहीं बनेगी कि आपका एक एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट आपका फ्लोट है और तीसरा आपका करेक्टर है. तो इस तरह का एरे नहीं बनेगा. हम एरे को बनाते हैं ताकि हम बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा पाए. अब हम बात करते हैं क्या सिंटेक्स फॉलो करता है एरे. सो आपका सबसे पहले क्या रहेगा? सिंटेक्स की बात करते हैं हम. सिंटेक्स क्या कहता है? डेटा टाइप. देन यू नीड टू गिव एरे नेम. सर स्क्वायर ब्रैकेट को एरे नेम देंगे हम. देन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे. यहां पर हम इसका साइज बताएंगे, जो भी इंडेक्स है. ये आपका क्या होगा? इंडेक्स होगा, जो क्या बताएगा? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इन होंगे. सपोज आपको 5 एलिमेंट्स को इन करना है तो आपके जो 5 एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे? आपने एक एरे बनाया जिसका डेटा टाइप आपने क्या बताया? इंटीजर. जिस भी नाम से आप एरे बनाना चाहते हो वो नेम आप देंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले बताएंगे, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना चाहते हैं. तो ये जो एरे है वो किस तरह से प्रिंट होगी? 1, 2, 3, 4 एज वेल एज 5. अब हम इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या बता रहा है? साइज ऑफ एलिमेंट्स. आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन करना है? साइज ऑफ एलिमेंट्स, राइट. अब हमें समझना है कि ये जो 1 है ये कहां पर गया है. तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे फर्स्ट एलिमेंट, देन इंडेक्स नंबर 2 पे सेकेंड एलिमेंट, देन इंडेक्स नंबर 3 पे थर्ड एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 4 पे फोर्थ एलिमेंट एंड इंडेक्स नंबर 5 पे आपका लास्ट एलिमेंट. तो इस तरह से आपके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यहां पर मिस्टेक हो गया है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. इसीलिए यहां आप देख रहे हो कि यहां पे नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हैं? 0 to 4 है. और यहां पर हम वेरिएबल्स कितना दे रहे हैं? 5 दे रहे हैं. तो इसका सिंपल लॉजिक आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका इंडेक्स होगा उससे 1 माइनस आपके एलिमेंट्स इसके अंदर इन होंगे. इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका माइनस 1 आपका क्या होगा? इंडेक्स होगा, क्योंकि हम यहां से 0 से इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स पर आते हैं. तो जो आपके एरे के टाइप्स हैं, जो एरे टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के. 1D एरे, 2D एरे एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल एरे. तो आपके जो भी एरे, जो हमने कभी सिंपल सी एक एरे बनाया, ये आपकी किस तरह की एरे हो जाएगी? 1D एरे. अगर आपकी एरे बनाते टाइम आप रो एंड कॉलम को शो कर रहे हैं, डेट मीन्स आप किसकी कौन से टाइप की एरे बना रहे हैं? 2D एरे बना रहे हैं. अगर आपकी जो एरे आप बनाने जा रहे हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल्स यूज हो रहे हैं, लाइक एक्स वाई जेड, जैसे हम एक्सिस यूज करते हैं कुछ इस तरह से, अगर इस तरह का आपको एरे बनाना है तो वो वाला एरे क्या बन जाएगा? मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाएगा. ये था आपका थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एरे. एरे को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो मैं आपको कोड में ट्राई करके बताऊंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन.